गली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब गली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार मैं कहता हूँ, ला 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 ला, के नशे में हूँ यार। जो जो रिजल्ट के दिन करीब आ रहे हैं, मेरा एक्साइटमेंट लेवल तो हाई होता जा रहा है। पहले ये तो सोचो कि तुमने पास होना भी है कि नहीं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं पास नहीं होऊंगा? मैडम, फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट टॉप करूंगा। ओहो हो हो हो, कर ही ना जाना तुम टॉप। देखो ये ज्यादती है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। अच्छा अपना मूड ठीक करो, है भरोसा मुझे तुम पर। अरे मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाना था, लेट हो गया। चलो 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 चलो, पहले मुझे बाजार से कुछ चीजें लेकर दो यार। अच्छा चलो रास्ते में ले लेंगे। तरह जानती हो कि भाईजान तुम्हारी और शायान की शादी के हक में नहीं है। तुम्हारा इस घर में सिर्फ एक वोट है और वो है आलिया भाभी का, और तुम उनको भी खिलाफ कर रही हो अपने। इसका मतलब है कि आंटी ने मेरी शिकायत आपसे लगाई है। उन्होंने शिकायत नहीं, उन्होंने गिला किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड, आई कांट डू दिस। देखो अगर तुमने शायान से शादी करनी है तो तुम्हें इन बातों से फर्क पड़ना चाहिए। डैड मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। आंटी ने मुझे प्रेशराइज किया कि मैं उस 2% के नौकर से माफी मांगू। डू यू थिंक आई विल एक्सेप्ट दिस? देखो कभी कभी बड़ा मकसद पाने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मेरी मानो तो तुम आलिया भाभी से माफी मांगो। मैं उनसे माफी मांगू? बीना जावेद उनसे माफी मांगे? नेवर। हाँ भाई, मैं तुम्हारे फायदे के लिए तो कह रहा हूँ, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इनफैक्ट माफी उन्हें मुझसे मांगनी चाहिए। देखो बीना, एक बार तुम्हारी शादी शायान से हो जाए फिर तुम्हारा जो दिल है तुम करना। मेरी मानो तो तुम अभी फोन करो आलिया भाभी को और उनसे माफी मांगो। देखो बीना, सोचने में वक्त जाया मत करो, तुम उनको कॉल करो, उनको बताओ कि जो कुछ तुमने शायान को बताया वो तुम्हारा जज्बाती फैसला था, और उनसे माफी मांगो। तुम उन्हें अपनी बातों से शीशे में उतारने की कोशिश करो बीना। जब तक भाई साहब का बिजनेस मेरे पूरे कंट्रोल में नहीं आता तब तक मुझे आलिया भाभी की मदद की जरूरत है। देखो अगर वो हमसे नाराज हो गए तो हमारे सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा अहमद, ये बॉक्स ले जाके बहुत एहतियात से मिसेस कुरैशी को देना, देखना कि ये टूटे नहीं, ठीक है? तुम यहाँ? तुम्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था ना। यूएसबी भूल गया था वो लेने आया। ये तुम इसको ऐसे क्यों देख रहे थे? नहीं, अब मेरे देखने से भी मसला। तुम्हारे देखने पे नहीं, इस तरह मुंह बना के देखने पे। बीना से आपको इस तरह से माफी नहीं मंगवानी चाहिए थी। तो ये बात है, मैं तो बीना को सिर्फ तमीज सिखा रही थी। हमें ये कैसी तमीज है जो आप उसको तजलील करके सिखा रही हैं? वो खून है हमारा, रिश्तेदार है। इस नौकर के लिए आप
अच्छा बस, इस घर में बस मेरी कदर नहीं है और मेरे दोस्तों की नहीं। सलाम अलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? आप ऑफिस नहीं गए? तबीयत तो ठीक है आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम सुनाओ तुम क्या करते फिर रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, जो भी तुम करते हो उसकी खबर मुझे नहीं मिलती? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं, जुर्म। अब ये नहीं मुझे पता कि दानिश्ता या अनजाने में तुमने किया, उसके मुताबिक तुम्हारी सजा होगी। प्लीज अंकल मुझे बताइए, मुझसे कोई गलती होगी क्या? ये जुर्म अनजाने में होने वाला नहीं है, मुझे यकीन है ये सब तुमने बेहोश हवास किया होगा। अंकल प्लीज मुझे साफ साफ बताइए मैंने क्या किया है, मेरी परेशानी बढ़ रही है। सायरा को तुम कब से जानती हो? जी जी जानते हो इसकी सजा? उम्र कैद। बर्दाश्त कर सकोगे? अंकल आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। बस बस ज्यादा जज्बाती मत हो, रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारा? नेक्स्ट वीक अंकल। बस जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद आओ दफ्तर ज्वाइन करो हमें। तुम्हें पता है वो शयान की साली बनने वाली? अंकल वो अब्बा नहीं मानेंगे। अरे मैं जो हूं अब्बा की ऐसी की तैसी, मैं बात करता हूँ असलम से और शाकिर से, दोनों से। तो भाई शाकिर भाई, बेटी एक मांग रहा था, अब दो के हाथ मांगने पड़ेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? आंटी वो एक्चुअली मैंने आपसे अपोलोजाइज करना था, आई एम रियली सॉरी, मुझे शयान को ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। तुम्हारी ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हें इस बात का एहसास जल्दी ही हो गया। लेकिन बीना एक बात याद रखना, शायान ना मेरा इकलौता बेटा है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि वो तुम्हारी किसी हरकत की वजह से मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। एक्चुअली आंटी आपने जब मुझसे उस नौकर से माफी मांगने को कहा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इन फैक्ट आई फेल्ट एम्बैरस्ड, जिस वजह से मैंने जिस बात में आके शायान से ये बात कर दी। बट लेटर ऑनवर्ड्स बाद में मुझे एहसास हुआ कि आप सही ही कर रही थी, आखिर वो नौकर भी इंसान ही है। और ट्रस्ट मी, इस पूरी सिचुएशन से मैंने बहुत सीखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच आंटी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। एक बार मुझे अपने मकसद में कामयाब हो जाने दें, अपनी इंसल्ट का बदला तो मैं सूद समेत लूंगी, वरना मेरा नाम भी बीना नहीं। बड़ी आई मुझसे माफी मंगवाने वाली। अच्छा खासा साफ सुथरा तो है घर, ऐसे परेशान हो रही हूँ। अरे मैं कौन सा सफाई कर रही हूँ, सेटिंग तो कर रही हूँ। अरे वही तो कह रहा हूँ, क्या हुआ है सेटिंग?
ठीक तो है सब कुछ? आप तो जानते हैं वो बड़े लोग हैं, हमारा घर छोटा ही सही, पर साफ सुथरा तो हो। ये तो ठीक कह रही हूँ। अरे लो वो आ गए जी। आई है बुखारी साहब। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आलिया भाभी नहीं आई? नहीं, वो देखें जब से आपका ये भतीजा आया हम तो घर में अकेले हो गए। और आप सुनाएं, आप कैरियर से हैं? सायरा बेटी कहाँ है? वो कॉलेज गई है, बस आने ही वाली है। अच्छा भाई शाकिर भाई, मैं आपसे शादी की तारीख लेने है, मुझे बताएं मैं शायन के साथ बारात कब लेकर आऊं? लेकिन बुखारी साहब मेरी बेटी ने तो। लेकिन शाकिर भाई वो उसका जज्बाती फैसला था और उसका अपना भी नहीं था, और जिसने इनकार करवाया था वो उसको भी अब कोई एतराज नहीं है, इसीलिए मैं अब आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। देखें बात ये है कि शुरू में मेरा बेटा जो है वो शादी करना ही नहीं चाह रहा था, अब जब से वो पाकिस्तान आया है तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, वो बहुत बदल गया, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। उसको पता था कि अगर वो मुझसे इनकार करेगा तो मुझसे सुनेगा, उसने मायरा को अपना हथियार बनाया और उसके थ्रू उसने मना करवाया कि वो शादी नहीं करना चाहती, और मायरा ठहरी सीधी सादी, उसने मना कर दी। ठीक है बुखारी साहब, मैं मायरा आती है तो मैं उससे बात करता हूँ, जो उसका जवाब होगा वही मेरा जवाब होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे, मैं चलता हूँ, मुझे मैं यही बात कहने आया था आप लोगों को। आप चाय तो पीते जाएं? नहीं नहीं, चाय की क्या बात कर रही हैं भाभी, अगली बार जब मैं आऊँगा आप कुछ खबरें सुनाएंगी, मैं साथ मिठाई भी खाऊंगा। हेलो, कैसी हैं भाभी जान आप? मैं अल्लाह का शुक्र खैरियत से। तुमने आज कैसे फोन कर लिया? भाभी बस काफी अरसा हो गया था कि आपसे बात नहीं हुई थी, और मैं चाह रहा था कि अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो आप मेरे घर तशरीफ ले आती। जावेद मेरा आना मुश्किल होगा, तुम आ जाओ, अपने भाईजान से भी मिल लेना। देखें भाभी जब मुझे भाई साहब से मिलना होगा तो मैं जरूर आऊंगा, मगर मुझे सिर्फ अभी आपसे मिलना है, तो प्लीज आप आ जाएं, जो बात मुझे आपसे करनी है वो मेरे घर हो सकती है आपके घर नहीं हो सकती। और अबीना भी आपको याद करी थी, इसी बहाने आप दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। वो असल में बुखारी साहब के दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके खाने का इंतजाम भी करना है, तो मेरा आना तो नामुमकिन है। देखिए भाभी अगर आपने नहीं आना तो साफ साफ मना कर दें, ऐसे बहाने मत बनाएं आप, इतने मुलाजिम हैं आपके, आप किसी की भी ड्यूटी लगाएंगी तो सब इंतजाम कर लेंगे वो। अच्छा अच्छा चलो ठीक है मैं आती हूँ। थैंक यू वेरी मच, मैं जानता था कि आप मुझे कभी मना नहीं करेंगी। असलम असलम गाड़ी निकालो, मुझे बाहर जाना है। तुम्हें अपने भाई का बिजनेस चाहिए था तो वो तो तुम्हें मिल गया, और तुम्हें क्या चाहिए? भाभी अभी मुझे कहाँ मिला है पूरी तरह से बिजनेस, इतनी ज्यादा लीगल हर्डल्स हैं जिनको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी तक मुझे वहां से एक रुपया नहीं मिला, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली आप मुझे मेरे पैसे अरेंज कर दें, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। इतने सारे पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि इतने पैसे मैं अपने पास नहीं रखती, सब कुछ तुम्हारे भाई के पास है, और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उनसे मांग लो। भाभी अगर मैं उनसे मांगूंगा तो वो मुझसे हजारों सवाल पूछेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, और सच पूछें तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं उनको बता भी नहीं सकता। मैं कुछ नहीं कर सकती जावेद, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है।
देखें भाभी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे इस वक्त तो कौन करेगा? बिलीव मी कि मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ भाभी, मैं बहुत मकरूज हूँ भाभी, और अगर मैंने लोगों को पैसा उनका नहीं लुटाया तो हो सकता है कि वो लोग मेरी जान भी ले लें। मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके लिए इतनी रकम अरेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं बुखारी साहब से बात करूंगा, अगर उन्हें दे दिए तो मैं तुम्हें दे दूं। नहीं नहीं भाभी, आपने उनसे बात नहीं करी। क्या मतलब है तुम्हारा? उनको बताए बगैर मैं तुम्हारी मदद कर दूं? एग्जैक्टली। नहीं जावेद, उनको बताए बगैर मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। भाभी, ये मदद तो आपको करनी होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये जरूर करेंगे। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड आप आ गए, मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी है। आए बैठे ना। मैं तुमसे ही मिलने आई थी, लेकिन बेटा अब मुझे जाना है क्योंकि बुखारी साहब के काफी सारे दोस्त आ रहे हैं, तो मुझे उनकी तैयारी करनी है। मैं फिर आऊंगी ना इंशाल्लाह तुमसे मिलने, ठीक है? प्रॉमिस। हाँ, ख्याल रखना अपना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जल्दी घर आ गए? अपनी जगह अहमद को भेज दिया काम पर? नहीं, मेरी तो उससे बात ही नहीं, मैं तो समझ आ गया होगा घर। नहीं नहीं, अहमद तो घर नहीं आया। अच्छा, क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस थकावट हो रही थी तो जल्दी छुट्टी लेके आ गया। अहमद को फोन करके बुलाऊं? वो आपको डॉक्टर के पास लेके चला जाएगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जरा आराम कर लूं। अच्छा चलें ठीक है, फिर आप अंदर जाके आराम करें, मैं खाना लेके आती हूँ। आई एम सॉरी बुखारी साहब, मेरी बेटी ही अपने इनकार पे कायम है। असलम, असलम, ये घर में कोई नौकर है जो काम करता हो? क्या हुआ है? अम्मी, इस घर के सारे नौकर तो अपने आप को मालिक समझ के बैठते हैं, काम किसने कर रहा है मुझे ये बताएं। नहीं बेटा, ये तो सारा वक्त हमारी खिदमत में ही लगे रहते हैं। सूफ रहते हैं, साथ बनाया हुआ है। अम्मी, जब ये नौकर जो हैं, ये हमें अपना रिश्तेदार समझते हैं, तो इनसे हमने खाक काम करवाना है। क्या फिजूल बातें कर रहे हो, हम इन्हें नौकर नहीं समझते, और तुम एक ही सांस में इन्हें नौकर नौकर कहे जा रहे हो।